इन स्पॉन्जी और फ्लफी दही बड़ों को देखकर किसका खाने का मन नहीं करेगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें और आप जिसको भी ये बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज हम मिलकर बनाएंगे एकदम बाजार जैसे सॉफ्ट दही बड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके दही बड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आइए देखें इनको कैसे बनाया जाता है। दही बड़े बनाने के लिए हम दो दालों का इस्तेमाल करते हैं। ये है उड़द दाल, तो ये मेरे पास साबुत सफ़ेद उड़द दाल है, आप इसका स्प्लिट भी ले सकते हैं। तो 1/4 कप साबुत उड़द दाल और 3/4 कप जो है वो पीली मूंग दाल। तो हम इनको एक बाउल में डालेंगे, इसमें हम पानी डाल देंगे और अब हम इसको ढक देंगे और इसको ओवरनाइट सोक होने देंगे। इससे हमारे दही बड़े एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। दाल को भीगते हुए 5 घंटे हो चुके हैं, आइए हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखें अपने साइज से कितनी बड़ी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे और इसको छान के इसका पानी अलग कर देंगे। मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इस तरह से छन्नी में इसका सारा पानी निकाल के अलग कर देंगे। ये देखिए अब हम अपनी दाल को पीस लेंगे। इसके लिए हम इस दाल को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। पीसते समय बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। दाल एकदम जो है हमारी चिकनी पीसनी चाहिए, मतलब दाल अच्छे से, उसमें कोई भी ग्रेन नहीं रहना चाहिए और इसको हमें गाढ़ा पीसना है। दाल हमारी पीस चुकी है और ये देखें एकदम महीन पीसी है मैंने, इसको बिल्कुल ग्रेन ही नहीं है। और अब हम इसको फेटेंगे, तो फेटने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करें। मैंने अपने हाथ बहुत अच्छे से जो है वो वॉश कर लिए हैं पानी से। अब हम इसको एक डायरेक्शन में फेटेंगे, 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से फेटना है। ये देखें इस तरह से फेटें इसको। फूले हुए फ्लफी और स्पॉन्जी दही बड़े बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है, दाल आपकी जितनी अच्छे से फिटी होगी उतना ही अच्छे आपके जो है वो दही बड़े बनेंगे। फेटने से क्या होता है, इसमें एयर ट्रैप होती है, उससे जब हम इसको तलते हैं तो तलते समय एकदम फूल जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं। और अगर आप हाथ यूज़ ना करना चाहें तो आप इस तरह से चम्मच से इसको थोड़ा उठा उठा के फ्लफी करें, इससे भी एयर ट्रैप होती है और हमारे जो दही बड़े हैं बहुत फ्लफी बनेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी दाल बड़े बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है और एक छोटा सा बड़ा पानी में डाले। ये देखिए कितने अच्छे से ये तैर रहा है, उसमें सिंक नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें बहुत अच्छे से एयर ट्रैप हो गई है और हमारे बड़े तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और तो आइए हम इनको अब तलेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, बड़े डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे और आप तेल में डालते ही देखेंगे कितने अच्छे से फूलना शुरू हो गए हैं। तो जो अच्छे बड़ों की पहचान यही है, अगर वो अच्छे से फिटा होगा तो वो तेल में डालते ही अपने आप जो है वो फूल जाएगा अच्छे से जाके। तो आज यहाँ पे ध्यान रखिएगा मीडियम फ्लेम ही रखेंगे हम। लास्ट में बस थोड़ी सी आँच को बढ़ाएंगे कलर चेंज करने के लिए। हम इन पर इस तरह से हल्का सा तेल उछाल देंगे पलटने के पहले। ये देखिए क्या मज़ेदार दिख रहे हैं अभी से ये एकदम फूले फूले। तो अगर आप मेरी रेसिपी को ठीक से फॉलो करेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो है पर ठीक से फॉलो करें, आपके बड़े बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया फ्लफी जो हैं बड़े तैयार हैं, एकदम कलर इनका हमें यही चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं चाहिए। तो जब आपको इस तरह के ये दिखने लगे शक्ल में तो आप इनको निकाल लें। तो ये देखिए मैंने जो है वो सारे बड़े निकाल लिए हैं और आइए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। आपको मैं एक बड़ा आप तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितने फ्लफी बने हैं अंदर से। ये देखें तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी सी जो जाली आई है, बिल्कुल इसी तरह की जाली हमें चाहिए होती है, इसी से जो हमारे दही बड़े हैं वो एकदम फ्लफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। दही बड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए हम एक पानी बनाएंगे, तो इसमें हम लेंगे पानी एक बाउल में, हल्का गुनगुना पानी है, बहुत गर्म नहीं है ना ही बिल्कुल ठंडा, हल्का गुनगुना। इसमें डाल देंगे हम 2 चुटकी के करीब हींग, क्योंकि दही बड़े डाइजेस्ट करने में थोड़े हैवी होते हैं इसलिए हम हींग का यूज़ करते हैं, 1/2 टीस्पून भर के नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बड़े अब तैयार हैं, हम क्या करेंगे इनको इस पानी में डाल देंगे, इनको एब्जॉर्ब होने देंगे हम पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद हम इनके दही और चटनी डाल के बहुत ही मज़ेदार से बड़े बनाएंगे। ये देखिए इसको मिला दें हल्का सा और अब हम इसको सोक होने देंगे करीब 15 मिनट तक। और अब हम एक बाउल में दही लेंगे, करीब 1 कप दही है, बिल्कुल थिक कर्ड लेंगे और इसमें डालेंगे शक्कर। तो हम करीब 3 से 4 चम्मच जो है वो शक्कर डाल देंगे, क्योंकि दही को अच्छा मीठा होना चाहिए जब आप बड़ा उसमें डालें। तो ये देखिए मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लोई होनी चाहिए कुछ इस तरह से। और आइए अब हम दही बड़े बनाते हैं। दही बड़ों को सोक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, एकदम स्पॉन्जी, ये देखें। और मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट जो है वो उसमें जाली आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अपने हाथों के बीच में रखेंगे और इसका पानी निकाल देंगे इस तरह से, बहुत धीमे हाथों से।
और अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें बड़ों को रखेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे काफी सारा जो हमने दही फेंट के रखा था शक्कर के साथ। इसके ऊपर डाल देंगे ये मीठी इमली की चटनी, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। इसको गार्निश करेंगे थोड़े से भुने जीरे, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाले के साथ। तो बिल्कुल परफेक्ट स्पॉन्जी, बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपी को ठीक से फॉलो करें, थोड़ा लंबा वीडियो है पर पूरा देखें, आई बेट आपके दही बड़े इससे भी अच्छे बनेंगे। तो आप इनको ट्राई करें, हमें ज़रूर बताएं कैसे बने हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।